सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं जो एक मेन प्रॉब्लम जो है बाइक के अंदर मुझे दिख रही है, वो मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। और वीडियो में अगर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो फाइनली गाइस, आज मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई इसकी जो हीटिंग प्रॉब्लम है, वो भाई मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम का इशू आ रहा है बाइक के अंदर। और ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको अभी करके भी दिखाने वाला हूँ कि पूरा टायर लेके, उसके बाद में चेक करूँगा कि भाई जो हीटिंग प्रॉब्लम का इशू है वो इतना क्यों है। तो ये मैंने बहुत ट्रायल किया, बट भाई मुझे जहाँ पर मैंने जाकर जब प्रॉपर चेक किया था तो मुझे कुछ हीटिंग का इशू कुछ इस टाइप से नज़र आया था कि भाई बाइक को जब हम ज़्यादा फर्स्ट एंड सेकंड गियर को यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा टॉप स्पीड हम लोगों की हो जाती है तो उसके बाद में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो भाई ज़्यादा आती है। तो भाई मेन सबसे बड़ा टॉपिक आज हमारा यही है कि आज जो हम आज आपको पूरे इसकी जानकारी जो है वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो अभी तो हम जैसे मैंने बाइक को छोड़ दिया है, सेकंड गियर में बाइक मेरी प्रॉपर चल रही है और इसको मैं अभी प्रॉपर चेक करूँगा कि ये जो हीटिंग का इशू है वो हमारा कब आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मैं बता दूँ कि भाई अभी क्या है, अभी तो मेन सबसे बड़े प्रॉब्लम है तो अभी सेकंड गियर में बाइक चल रही है और अभी थोड़ा सा हम और डाल के थोड़ा इसको थर्ड गियर में ले लेते हैं। और थर्ड गियर में लेने के बाद मैं बता दूँ कि कोई भी अभी मैंने थ्रोटल नहीं दिया है, थर्ड गियर में सिर्फ बाइक हमारी चल रही है। और चलने के बाद में अभी इसका जो हीटिंग इशू आएगा वो आपको सिंपली वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को इसके मत करिए, कोई भी ऐसे टेक नहीं बनाता, जो भी होगा आपको रियल दिखाने वाला हूँ। तो गैस बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो अभी परमानेंटली चेक करना होगा कि भाई जो हीटिंग का इशू है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई ये क्या है, ये अभी मैं बता दूँ कि अभी मेरी बाइक को मैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गियर पर यूज़ कर रहा हूँ। और यूज़ करने के हिसाब से मैं बता दूँ कि भाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड एंड नॉन लिमिटेड की बात करें तो भाई क्या है कि यहाँ पर टॉप स्पीड पर अभी हम इसको नहीं चेक करने वाले, नॉर्मली ही चेक करने वाले। तो मैं बता दूँ कि भाई वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर है, बट मैं बता दूँ कि अभी हीटिंग का इशू यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हीटिंग का इशू जो हमारा एस का जो मेन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको ना इधर उधर करते हुए भाई सिंपल से मैं बता दूँ कि आपको एस का सिंबल यहाँ पर शो हो रहा है। और जो आगे के टॉपिक पर बात करेंगे तो वो होगा मेन टॉपिक हमारा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ आपके लिए कि जो सबसे बड़ी बात इसकी है वो है हमारी क्या, वो है मेन जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गियर को यूज़ करो तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है वो वीडियो के अंदर आपको हम दिखाने वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा हमें तो भाई थोड़ा सा आगे हमें निकालना पड़ेगा। एंड अभी हमारी बाइक जो है थर्ड गियर में चल रही है तो अभी हम प्रॉपर चेक करने वाले हैं कि क्या हमारी बाइक जो है वो नॉर्मली है या इसमें तो चलती जाएगी या फिर कुछ हीटिंग का इशू क्लियर आएगा। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो गाइस मैं बता दूं कि अभी मैं फाइनली अभी इसको मिनिमम आप मान के चलो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे ही लगभग चला के लाया हूँ। 100 किलोमीटर की दूरी के बाद में मैं इसका बता दूँ कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है इसकी वो है हीटिंग इशू। तो भाई हीटिंग इशू की हम बात करें तो भाई जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसकी यही है कि भाई अगर इसको थोड़ा सा भी टॉप स्पीड में जब भगाओ उसके बाद में थोड़ा स्लो करो तो भाई बाइक जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग आ जाती है। जैसा कि अभी थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है बट अभी डेफिनेटली क्या है मैं बता दूँ, इसको मैंने प्रॉपर चेक किया है भाई ये दिक्कतें जो है बहुत ज़्यादा बाइक के अंदर आ रही हैं। अभी हीटिंग का तो इशू ऐसा है कि हाथ नहीं मिल रहा है और सुपर बाइक है भाई, लेकिन थोड़ा सा मेन चीज़ सबसे बड़ी ये है कि अगर इसको फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग तो क्या दिक्कत आती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये आती है कि भाई इसके अंदर जो है हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके बारे में मैं सोच नहीं सकता कि भाई इतनी महंगी लेके और भाई कभी अगर हम लोगों को नंबर आ जाता है जहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड गियर को यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई मैं बता दूँ कि यार कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। और भाई वैसे तो इन लोगों ने रेडिएटर सिस्टम यहाँ पर लगा रखा है जो आपको मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई फिर भी इतना ज़्यादा हीटिंग इशू आ रहा है। जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ उसको, उसके बाद में जो हीटिंग का इशू है मैं आपको प्रॉपर भी चेक करवा देता हूँ।
मैं बता दूँ कि हीटिंग का जो इशू है हमारा वो क्यों आता है, किस लिए आ रहा है, ये हमें लोगों को बहुत ट्रायल करना होगा, क्योंकि भाई इसके बिना चेक किए तो ये चीज़ संभव नहीं है। अभी आप लोग देख ही सकते हो कि भाई ये हीटिंग है हमारी वो कितनी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। मैं अभी चेक करा दूँ तो ये जैसा कि अभी आवाज़ आ रही थी ये बंद हो गई है। तो अभी क्या करना है, अभी हम फिर से एक बार लेके चलते हैं और फिर से इसको ट्रायल लेने वाले हैं कि भाई इतना ज़्यादा हीटिंग का इशू आ क्यों रहा है। अभी आप लोग सिंपल सा चेक ही कर सकते हो कि जो साउंड है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, इसका नॉइस है। तो भाई देख लो आप लोग, ये जो है साउंड बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है भाई। लेकिन मैं बता दूं कि ये रेडिएटर से जो है कूलिंग आ जाती है और कूलिंग भाई जो है कोई भी दिक्कत नहीं देती है।